गाइज वेलकम बैक टू अवर न्यू अंदर ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हम पहुंच गए हैं वेन्यू पर, और ये हमारा वेन्यू। मैंने कल आपको बताया था ना कि हमें पार्टी में जाना है, सो हम पार्टी में पहुंच गए हैं। और गेटअप मैं सबका अभी दिखाऊंगी आपको, सबने क्या क्या पहना है। भाभी जी आ गई है मेरी। हाँ, मैंने इनसे पहले ही कल को फोन करके बता दिया था, मैंने कहा आना जरूर, तो क्या ठीक है आएंगे। सो ये भी आ गई है उनकी बेटी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का फंक्शन पार्टी। सो ये है आज मेरा लुक और भाभी जी का भी। हम दोनों ने वियर की है आज साड़ी, और मेरी साड़ी इतनी हैवी हो रही थी ना कि मुझे चलने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और आप सब भी बताना कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा। और हम पहुंच गए हैं हॉल में। हॉल में बहुत ही लाउड म्यूज़िक चल रहा था, इसीलिए मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर करनी हुई है। और ये है हमारी आंटी जी, भैया जी। और आंटी जी बोली तुम बहुत लेट हो गई, कहाँ रह गई थी। मैंने कहा आंटी थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है रेडी होने में। और आंटी तो बहुत ही सुंदर लग रही थी, बेबी पिंक कलर की उन्होंने साड़ी वेयर कर रखी थी, बहुत ही बढ़िया क्यूट लग रही थी। और आज के फंक्शन की एक ख़ास बात और थी, मोस्टली लेडीज़ों ने साड़ी ही वेयर कर रखी थी और सभी बहुत सुंदर लग रहे थे। हमारी मेयर काशीपुर की, और ये दीदी हैं। दीदी को तो आप जानती हो, पिछले ब्लॉग में भी थी। बाकी हम लोग बैठे हुए हैं खाने के लिए, देखो कोई हमारे लिए खाना लेकर आता है नहीं। आ गए बच्चे, इनका इंतजार था। हाँ बच्चे भी आ गए हमारे। थोड़ी देर हाँ जी। और आपने कुछ खा लिया? और कुछ मैम मंगाया कुछ? आप बेटा वो कुछ ले आओ हमारे लिए खाना, खाना लगा लो। टिक्की ले आओ पहले, पहले टिक्की ले आओ। और ये आ गया भाई हमारा खाना। खाना करते हैं हम अब स्टार्ट। और जिसके मुंह में पानी आ रहा हो ना भाई, वो भी अपने घर में बनाओ खाओ, खाओ। कोई आसपास पार्टी है तो पार्टी में भी जाओ और एंजॉय करो हमारी तरह। मैंने मेरी कल भी एक पार्टी थी और आज भी एक पार्टी हो गई, आगे भी चलती रहेंगे। अब तो फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया, पूरा तो पार्टी पार्टियां रहेंगी, पूरा शादियां शादियां। तो ये हमारा फोटो सेशन भी हो गया है, बहुत अच्छा फ्रेम मिल गया था हमें बैकग्राउंड में। गाना बहुत चल रहा है, साउंड काफी है, खाना हो गया। और यहाँ हम आ गए थे स्टेज पर, मतलब डीजे पर डांस के लिए, जो कि हमारा फेवरेट। मन तो बहुत करा था कि बड़ा बढ़िया से ज़ोर से डांस किया जाए, बट हो नहीं पा रहा था क्योंकि साड़ी इतनी हैवी हो रही थी। ऐसा लग रहा था मैंने कोई हैवी चादर डाल रखी हो। ये साड़ी एक्सपेंसिव भी काफ़ी है। ये साड़ी मैंने करवा चौथ के लिए रखी थी कि मुझे करवा चौथ पे पहनी, लेकिन डॉक्टर साहब ने लड़ झगड़ कर मुझे यही साड़ी पहनाई कि नहीं आपको यही साड़ी पहननी है, तो फिर मुझे मजबूरी थी वियर करनी पड़ी ये। और अभी हम माँ बेटी हो गए स्टार्ट। मेरा बेटा तो टैलेंटेड है ही।
और डांस करने के बाद हम बैठ गए हैं अब शांति से। अब था हमारे यहाँ से जाने का नंबर, तो बस हम भी इंतज़ार कर रहे थे कब डॉक्टर साहब आए और कहें चलो। और अभी कुछ पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे, रिशु कर रही थी पीछे से स्टंट। आंटी बाय 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 चले भैया हम चलते हैं यहाँ से। काफी इंजॉय कर लिया। अब उतारो। ये मेरी जेठानी आ रही है। हाँ। ये दौरानी आ रही है पीछे से ना, है ना? हाँ। तो आ उसी कसम में आ रही हूँ जेठानी की तरह। और पीछे से दौरानी सहमी सहमी सी। सहमी। बहुत डरा के रखती। अब चलो। हमें बुला लिया जब से, अब खुद नहीं चलने का। कौन कौन से फ्लेवर? अरे भाई साहब पिस्ता फ्लेवर भी अभी इन्हें खा लिया था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इन्हें भी बहुत आइसक्रीम खाई है। सही है। और अभी आपको सुनने को मिलेगी साड़ी पर चर्चा। इतना कंफर्टेबल नहीं रहते ना। हाँ, आपको दिख रहा है, देख के मुझे लग रहा है। हाँ, मैं बड़ी परेशान हो रही हूँ मैं आज साड़ी। वो बांधने वाली पूरी कुछ भी है, चलना तो साड़ी में। बिल्कुल। और अंकल जी आंटी जी को हमारी तरफ से ढेर सारी बधाई हो, और बहुत अच्छा फंक्शन रहा आज का, और हम सभी ने पार्टी में बहुत इंजॉय किया। ठीक है भाभी, बाय बाय। चलो बच्चों आओ। बाय। सही गए भैया भी, हमें अपनी गाड़ी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे गली में इतना स्पेस भी नहीं था अभी कि कार अच्छे से निकल जाए। हाँ, तो घर आते आते ना ये हालत हो गई हमारी, इतनी भयंकर। और गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है मई जून जैसी गर्मी हो रही हो, ऐसा फील हो रहा है। अब बच्चे जा रहे हैं अभी ट्यूशन, तो पहले थोड़ा सा पसीना सुखाऊं, उसके बाद कुछ करूं। तो कंगन वंगन निकालती हूँ, मैं रील भी नहीं बना पाई सही से अपनी। कहीं किसी भी पार्टी में किसी फंक्शन में आप चले तो जाओ, बट जो उसके बाद में जो पूरा फैलावा होता है ना, उसे समेटना बहुत मुश्किल होता है। सब तो बैठ जाते हैं आराम से, सारा काम आगे कहाँ आता है एक लेडीज के ऊपर। अभी तो मैं थोड़ी देर में फ्री हुई हूँ सारा काम वाम करके, है ना, ताकि अपने शूज उठा के रख देना जहाँ रखने। ओके, बात सुनो बात सुनो। उसके बाद अभी आप तुरंत बोल रहे हो कि मुझे स्केटिंग करवा दो, मुझे अभी अपना खाना भी बनाने का टाइम चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा लेटी तो देख लिया फोन, आप जाओ अपने शूज खुद पहन लो ना। ताक्षीन को शूज पहनवा दो, जाओ प्लीज। मम्मा प्लीज, मम्मा मेरे को बहुत काम है। ऐसे ना करो। अरे आज इंग्लिश का है, हिंदी है। शूज पहनवा दो बस, जब से खेल रही तब से कुछ नहीं। अब वो कपड़े सब में आपने ना कोई उसमें स्टेन्स लगे हुए थे, वो सब मैंने धोए हैं, थोड़े से वॉश करके तब डाल रखा है सूखने को। okay. वहीं के वहीं पे वॉश कर दिया थोड़ा थोड़ा। और सबसे ज्यादा आप गंदे करते हो कपड़े। मम्मा एक मिनट इसको बंद कर। रिशु अपने आप बांध लो ना यार, फेंक दिया रिमोट। उप्स। सुनो अभी ना रिशु के उसमें होमवर्क देखा मैंने डायरी में, क्या दे रखा है, वो ट्री बना रहा है फैमिली ट्री, और उसके लिए ये कुछ पिक्चर्स मिली है, और रिशु की पिक्चर नहीं है उसमें। अब मेरी है, आपकी है ये, लेकिन इतनी छोटी वाली पिक्चर इसमें, अब इतनी छोटी सी हो। और आपकी? मेरी है, दिखाना मेरी। ये मेरी शादी से पहले की पिक्चर है, जो ऐसी मैं कितनी क्यूट हूँ। आप बना दोगी? लगा दो इनको ही, और रिशु का मिल जाएगा तो हम रिशु का चिपका देंगे फोटो, ठीक है? कल पर हम आपका एक दो दिन में ले आएंगे बना के, ठीक है? फोटो बनवा देंगे। हाँ ठीक है दीदी, हेल्प कर देगी आपकी बस। इस रिमोट का एक सेल खो दिया, उसका एक खो दिया। अरे वो गिर जाता है, मत गिराया करो बेटा, बदतमीज है, इसके हाथ तोड़ने पड़ेंगे। अच्छा, तब वो कपड़े सूखे होंगे ना, हटा देती हूँ। यहाँ रिशु ने मचा रखा था शोर। अमरूद
क्या हुआ? हाँ तो लो अमरूद, तो खा लो अमरूद, खाओ आप। खिचड़ी आओ खा लो। ओ खाओ, घी डाल दू, घी नहीं डाल पाई इस चम्मच से भी अच्छा है। ना मम्मा छोटी है, हाथ की तो देखो ला रही हूँ। सो अभी हम तीनों जा रहे हैं एक शॉप पर जहाँ पे मिलते हैं टॉय, क्योंकि रिशु ने बहुत परेशान करके रख दिया था, रो रो कर बुरा हाल कर दिया था। बच्चों को ये लगता है रोकर इनकी जिद पूरी हो जाती है, बट पापा जी थे, फिर पापा जी के सामने हम ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते ना। बड़ी शातिर हंसी हंस रही है रिशु। चलो गिफ्ट चाहिए रिशु, गिफ्ट वॉकी टॉकी लो। यही रिश सेलेक्ट हो गया ये, अरे बड़ी जल्दी तो ऐसे कर सोच कर आई हो। उसने बहुत जल्दी सेलेक्ट कर लिया अपना टॉय। ये पढ़ाई चल रही है, इधर चल रहा है लैपटॉप। बताओ क्या लाई है अच्छा, थोड़ा तो बताओ आप बताओ अभी हम में नहीं टॉय में से, टॉय में से। जल्दी जल्दी हाँ, इतना टाइम मत लो सोचने में। अच्छा है ना, ऐसी यूजेबल चीज लानी चाहिए ना। ताक्षु कहाँ से लाए? डिया है। ये आ गया रिशु का वॉकी चॉकी, अब इसे आप यूज करना। और पता है उस कमरे से इस कमरे में ऐसे आराम से बात करना, हेलो हेलो ओके। छत पे जाके करनी, छत पे जाके कर लेना। अच्छा मम्मा ये बताओ ये आया कितने का? पता नहीं। और बता ना बात करनी है, ये तो इसको ये तो ऊपर करना है। इसको नहीं, ये तो ऊपर रहेगा, वो साइड वाला बटन है ना, साइड वाला ये इसको दबा के रखना है, फिर बोलना है हेलो दीदी। हेलो हेलो ऑन है। उधर जाओ, उधर बाहर वाले रूम में जाओ। एक जगह इसकी तो वो डंडी नहीं है, ये ऊपर से निकलेगी डंडी। मैं तो खा रही हूँ खाना, मुझे लग रही है भूख। इन लोगों का प्रोग्राम हो गया स्टार्ट, वॉकी टॉकी वाला। कुछ नया गैजेट मिला है तो बच्चे तो करेंगे थोड़ी देर तक उधर आराम से। चलो खानी खिचड़ी बता, मुझे खानी, मुझे बहुत भूख लग रही है। इसका ब्लॉग में ही पर एंड करती हूँ गाइस, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। सो बाय, हैव अ नाइस डे एंड नमस्ते। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। हैव अ नाइस डे। हाँ।